उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के द्वारा कटघर निवासी प्रार्थनी को कुछ आरोपियों द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। फर्जी वीडियो को प्रसारित कर ब्लैकमेलिंग कर अवैध संबंध बनाने हेतु दबाव बनाया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि प्रार्थी का आरोप है कि उसी के गांव के नकुल, अमरजीत, अमित, अनिल प्रार्थनी को दिए आए दिन परेशान करते हैं और प्रार्थनी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसके निजी अंगों पर हाथ लगाते हैं और कहते हैं तेरी वीडियो हमारे पास है, या तो हमारे साथ शारीरिक संबंध बना, नहीं तो तेरी वीडियो पूरे गांव में फैला दूंगा। बता दें चले आपको, आरोपियों द्वारा प्रार्थनी को धमकी दी जाती है और हम तेरे मुंह पर तेजाब डाल देंगे। प्रार्थनी विवश होकर थाना कटघर गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रामपुर दोराया चौकी के भी प्रार्थनी कई चक्कर लगा चुकी है लेकिन वहां पर चौकी इंचार्ज प्रार्थनी की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। प्रार्थनी को डांट कर भगा दिया जाता है। प्रार्थनी का कहना है कि उसका किसी और लड़के का रिश्ता लगा हुआ है, आरोपियों की वजह से रिश्ता टूट सकता है। प्रार्थनी का कहना है कि अगर मेरा रिश्ता टूट जाता तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी इन आरोपियों की होगी। क्या हो रहा मामला बताइए। मैं किसी लड़के से प्यार करती थी, मैं जीऊंगी भी उसी के साथ, मरूंगी भी उसी के साथ। मेरे गांव का लड़का है नकुल, वो मुझे ब्लैकमेल करता है, टॉर्चर करता है बहुत ज़्यादा। और एक बार मेरी वीडियो बना ली मेरे ही घर पे आकर उसने। अब ये नहीं पता मुझे कैसे बनाई कैसे नहीं बनाई, उसे वीडियो को बार बार दिखाकर मुझे टॉर्चर करता है। या तो देख तू वैसे मतलब हमारा कहना मान ले, हमारे घर पर आ जा, और नहीं तो ये वीडियो नेट पर डाल देंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे। अगर वो ऐसे करेगा तो मैं क्या करूँगी, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब होएगी ना। और जिस लड़के के साथ मैं रहना चाह रही हूँ उससे मेरा रिश्ता टूट गया है तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, मैं तो मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगी। और वो ये बोल रहा था कि अगर तू नहीं मानेगी तो हम तेरे चेहरे पर तेजाब डाल देंगे, तुझे किसी के लायक नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि वो यही चाहता है ना कि मेरे से बात करे उसे छोड़ के, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती ना। जब मैं एक से प्रेम कर रही हूँ तो एक ही से तो करूँगी, उसके ऐसे कैसे मान लूँगी। और मैं कहीं भी जाती हूँ खेतों पे या कहीं भी तो भी वो यही बोलता है कि इधर आ जा इधर आ जा, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता है वो मुझे। मतलब आप खेत पे जाती है तो क्या दिखाता है? वीडियो दिखाता है वो मुझे, जो मेरी वीडियो बनाई थी उसने वो वीडियो दिखाता है मुझे कि या तो इस वीडियो को देख ले, नहीं तो क्या कहें मैं सोशल मीडिया पर डाल देंगे, नेट पर डाल देंगे, या तो तू मान जाएगी तो सही है, नहीं तो हम ऐसे कर देंगे। मैंने उससे मना करा तो वो फिर बोल रहा हाँ तू नहीं मानेगी ना तो अब हम देख तेरे साथ क्या करते हैं। तो उसी उसकी वजह से मैं चोरी छिप के घर से जैसे तैसे करके यहाँ आई हूँ। कटघर थाने गए, पहले चौकी गई थी वहाँ नहीं सुनी, कटघर थाने गई थी वहाँ भी नहीं सुनी मेरी। चौकी पे तो कुछ भी नहीं सुना किसी ने भी, क्योंकि वो मिले हुए हैं वो लोग भी, और कटघर थाने भी मिले हुए हैं मुझे दिखाई दे रहा, क्योंकि मैं गई मेरा कोई भी कुछ भी नहीं लिखा उन लोगों ने, ऐसे बोला कि यहाँ बैठ जाओ ऐसे बस बोल के बस छोड़ दिया उन्होंने। फिर मैं क्या करती वहाँ, मेरे मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे, मेरी नानी एक्सपायर हो गई वो वहाँ पर गए हुए थे। रामपुर दोराय, वो तो यही कहते हैं कि चलो हो जाएगा समझा देंगे उसको, यही बोलते हैं वो कि समझा देंगे हम उसको समझा देंगे। क्या क्या नाम है उनके? चार हैं, तीन हैं, पांच है वो। जो मैन परेशान करता है उसका नाम नकुल है, और अरुण नाम है, और अमरजीत, अमित, अनिल, ये पांच लोग हैं। वो सबसे ज़्यादा नकुल परेशान करता है। हाँ वो यही बोलता है कि या तो मेरी बात मान ले नहीं तो ये हम ऐसे ऐसे कर देंगे। तो क्या आप शर्म के मारे घर से निकल पा रही हैं? नहीं मैं नहीं निकल पा रही, मैं कुछ नहीं कर पा रही, यहाँ तक कि मैं कुछ काम करती मतलब पार्लर जाती थी वो भी नहीं जा पा रही हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा पीछा करता था, इसलिए मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ, अपने घर पर ही हूँ उसकी वजह से। तो आपका रिश्ता लग चुका? हाँ रिश्ता लग गया मेरा, पर जहाँ से रिश्ता लगा वहीं से तो ये वो ये बोल रहा था कि जहाँ से तेरा रिश्ता लगा है वहाँ से कैसे न कैसे करके तेरा रिश्ता तोड़वाऊँगा, और न टूटेगा तो मैं ऐसे ऐसे कर दूँगा। तो आपकी वीडियो को ये गलत है क्या उसके पास? हाँ वीडियो गलत है मेरी उसके पास। जो बनाई? हाँ ये तो मुझे नहीं पता, मैंने पास से नहीं देखी। वो मुझसे बोलता है कि मेरे पास आकर दे, पर मैं उसके पास नहीं जाती, अगर मैं उसके पास जाऊँगी तो वो ज़्यादा ही बदतमीजी करेगा फिर, इसलिए मैं उसके पास नहीं गई हूँ। जाती है तो किस तरह
मेरा हाथ भी पकड़ता है वो। और अभी शुक्रवार की सुबह की बात है, 6:30 बजे के बाद में उसने, मतलब मैं पानी लेने के लिए गई थी, वो वहाँ पे आया, वो मेरे से बोल रहा था कि मुझे मिलना है तुमसे। मैंने मना कर दिया उसको, तो ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर हाथ लगाया और मुझे ले गया उधर साइड में। ले जाने के बाद में मेरे कपड़े उपड़े ऐसे, मतलब मुझे पकड़ रहा था, जो मैंने सोल ओढ़ रखा था वो भी मेरा फट गया और मेरा सूट भी फट गया। और मैंने कानों में झुमकी पहन रखी थी, एक झुमकी निकल के मेरी वहीं पर गिर गई। तो मतलब आपको टच कर रहा था? हाँ, टच कर रहा था वो मुझे, बहुत ज़्यादा छेड़ाछाड़ी कर रहा था वो। तो जैसे तैसे करके मैं भाग गया ही। मैंने घर पे आके किससे बोलती, मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे, मेरी नानी जी एक्सपायर हो गई थी, वो वहाँ पे गए हुए थे। तो